हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियोस ऑफ ऑडियो रिकॉर्डेड। और मुझे मालूम है आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे LDC 2019 और 20 का जो आंसर की है उसका। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, तो आज इसका पार्ट वन, पेपर वन का पार्ट वन, अराउंड 60 क्वेश्चंस, उसका आपको आंसर बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये आंसर की जो है वो मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट करके बनाई है एंड खुद कुछ क्वेश्चंस खुद उसके आंसर चेक किए हैं। इट माइट बी पॉसिबल दैट कुछ आंसर से आप एग्री ना करें, तो देख लीजिएगा कि जो आंसर के अंदर आपको लगता है कोई डाउट है तो वो आप मुझे बता दीजिएगा एंड उसको बाद में हम करेक्ट कर लेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग स्टार्ट करते हैं। एंड साथ ही साथ एक न्यूज़ और है जो भी कंफर्म हुई है, दैट 21-22 वाला जो एग्ज़ाम जो 9th-10th सितंबर 2023 को ड्यू था होना, वो पोस्टपोन हो गया है। अभी कोई टेंटेटिव डेट तो नहीं आई है, बट मोस्ट लाइकली क्योंकि जो यूपीएससी का जो शेड्यूल है उसके हिसाब से शायद दिसंबर में हो। पर अगेन दिस इज माय गेस, डोंट एज्यूम इट एज अ ऑथेंटिक सोर्स। मैं भी गेस कर रहा हूँ कि कितना इसके अंदर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो वीडियो, और रहा हूं वो आपका पेपर वन है और जो है ये सेट सी है। सेट सी को सॉल्व कर रहा हूं, इसके हिसाब से बाकी आप देख लीजिएगा। और इसके अंदर कुछ ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं किसी ने, बट मैं रेड कलर से मार्क करूंगा तो उसको आप नोट करते रहिएगा। तो क्वेश्चन नंबर वन बात कर रहा है, द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड अंडर द आर्टिकल 39। बेसिकली आर्टिकल 39 जो है वो आपका इक्वलिटी की बात करता है कि कुछ हमको सोशल इक्वलिटी लेकर आनी है। और खास तौर पे इसके ऊपर दो क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू, दोनों इसी के ऊपर हैं। और इसके अंदर 39B एंड 39C, दैट स्टेट शुड इंश्योर देर शुड बी नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक सिस्टम शुड बी सच देर शुड बी नो कंसंट्रेशन दैट, तो ये करेक्ट है ये आपका। सिमिलरली जो आपका सेकुलर वाली जो बात है ये भी आपका जो है करेक्ट लग रही है। हाँ सॉरी, ये मैं थोड़ा सा इसके अंदर वो हो गया था। जो आपकी सेकंड है ना, ये आपका द वर्ड सेकुलर यूज्ड इन द प्रीएम्बल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्टिकल 29, इसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ इन द सेंस आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटी की बात करता है, दैट माइनॉरिटी माइट बी लिंग्विशियस माइनॉरिटी या उनका कुछ स्पेशल कल्चर है, कल्चरल माइनॉरिटीज, उनकी बात कर रहा है। सेकुलरिज्म की बात आर्टिकल 29 में नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। और थर्ड, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑफ कोर्स ये आपका करेक्ट है, तो ये भी आपका ठीक है। और वैसे भी अगर आप सिंपल सा ही देखो, आपका सेकंड रॉन्ग है, सेकंड तो 100% रॉन्ग है। आप चेक कर लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29 में कहीं भी सेकुलरिज्म की बात नहीं है। तो आपका दो जो है यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी आया हुआ है, तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर इसका हुआ सी, 1 एंड 3। अब आप सेकेंड की बात कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स, द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मॉडिफाई द राइट कन्फर्ड बाई पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू पर्सन एम्प्लॉयड टू टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ सर्टन कैटेगरीज। देखिए चाहे कोई भी कैटेगरी हो, मेन बात क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है। अगर ऐसा नहीं होता तो केशवानंद भारती केस का जो जजमेंट होता वो डिफरेंट होता। सेकेंड, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ मार्शल लॉ इन एनी एरिया रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज ऑन एक्सरसाइज ऑफ द फंडामेंटल राइट। यस करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी ओवर रिडन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अगर आपको पता हो, अगेन आर्टिकल 39 और 9B एंड 39C, इसको अगर आप चेक करो तो ये पेडेस्टल के ऊपर जो है वो फंडामेंटल राइट से ऊपर आते हैं। मींस अगर गवर्नमेंट चाहे तो 39
39B और 39C को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपसे कुछ फंडामेंटल राइट्स ले सकती है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। और उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा भी आपसे ये कौन सी करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आपका 3 only, ये इसका आंसर है। ओके, अब बात करते हैं आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन इसके अंदर देखिए, द मेंबर ऑफ लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कैन वोट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए। हालांकि आज के दिन में एक्चुअल में ऐसा कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आज के दिन के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर तो होते ही नहीं है, तो सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर हैं। बट यहाँ पे जो है वो आपका वो नहीं है, तो आपका ये दोनों तो करेक्ट ही है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट कैन वोट, करेक्ट। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर कैन वोट, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब रॉन्ग कौन सा हुआ, रॉन्ग हुआ आपका 1 only। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड अ सर्वल डिफरेंट एस्पेक्ट दैट कैन बी नेसेसरी टू डेवलप वंस अडेप्टेबिलिटी स्किल्स, ठीक है? अब इसके अंदर जो चार चीजें हैं, इसमें ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ठीक है? लेकिन ये वाला करेक्ट नहीं है। आप अडेप्टेबिलिटी के ऊपर अगर गूगल करेंगे तो वहां पे आपको फीडबैक एक नेसेसरी कॉम्पोनेंट है, तो 2 आपका नहीं है। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ सी। सिक्स की बात करते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कॉफी के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटका, डी आंसर है इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर पावर ऑफ द गवर्नर टू रिजर्व अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटर फॉर द कंसिडरेशन बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन की सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 है। किसी भी बिल को अगर वो चाहें तो प्रेजिडेंट की कंसिडरेशन के लिए कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एक्ट। अगेन ये जो है मेरे हिसाब से क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन मोस्ट क्लोजली जो इसका आंसर है ना, मोस्ट क्लोजली आंसर इसका बी है। अगर आप आर्टिकल 243 पढ़ेंगे तो 243 आर्टिकल के अंदर वहां पे लिखा हुआ है इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर पंचायत बनाने की जरूरत नहीं है अगर पॉपुलेशन नॉट एक्सीडिंग 20 लैक्स है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सीडिंग 20 लैक्स। अब आई डोंट नो कि क्वेश्चन को फ्रेम करने में गलती हुई है क्या हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से फिर इसके बाद आपका आंसर जो है बी होना चाहिए, अगर जो उनको बोलना चाह रहे थे उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री आर मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टिंग द डिसेनियल सेंसस विच रेस्ट टू द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है इसका आंसर। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन डिक्लेयर हैज नॉट बीन ट्रीटेड एज फाइनल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप बाकी सारे चेक करोगे ना, तो कहीं ना कहीं जो है वो फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा, बट यहाँ पे जो सी वाला है, एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेजिडेंट, मिनिस्टर लिखा हुआ है, बिकॉज मिनिस्टर से ऊपर क्या होते हैं, कैबिनेट, ठीक है? तो ये डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। अगेन अगेन कहीं मुझे उसका लिटरेचर नहीं मिला है, मेरे हिसाब से मोस्ट क्लोज जो आंसर है वो इसका यही है। और ये काफी जो सीनियर फैकल्टीज हैं उनकी भी यही आंसर है, उनसे मैंने कंसल्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। अगेन अगेन एक बाउंसर क्वेश्चन। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक आपके आर्टिकल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह आप देखिए, ये दोनों तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन दोनों के अंदर ही डाउट है। अब कहना क्या चाह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि क्या अप्लाई इक्वली टू स्टेट एज वेल एज यूनियन टेरिटरी, क्योंकि उसके अंदर क्या है,
आपका इलेक्टोरल रोल वगैरह बनना होता है और जो है उसके लिए इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो तो मेरे हिसाब से यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट हो, हर एक के अंदर ऐसा होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर जो है वो बी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका दोनों करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उसने नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट के हिसाब से मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। अगेन ए और बी में आई एम ऑल्सो इन डाउट, क्योंकि इसके ऊपर जो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द जीरो आर। तो जीरो आर राज्यसभा के अंदर जो है फर्स्ट आर्क ऑफ सीटिंग को जो है उसको जीरो आर बोलते हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉज इन इंडिया। देखिए इंट्रोड्यूस लिखा हुआ है, ठीक है, काफी लोग ये कंफ्यूज हो गए और उन्होंने इसका आंसर 91st अमेंडमेंट लगा दिया। 91st अमेंडमेंट में इसको स्ट्रेंथन किया गया था। ठीक है, इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 52nd अमेंडमेंट के अंदर। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टेचुरी बॉडीज। विच यूनियन मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सी ए पी एफ। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द टर्म वोट ऑन अकाउंट इज रिलेटेड टू, अगेन ये भी एक बाउंसर क्वेश्चन है। देखिए वोट ऑन अकाउंट जो है वो इंटरिम बजट नहीं है। वाई इंटरिम बजट नहीं है? इंटरिम बजट का मतलब क्या है? इंटरिम बजट आपका 2024 में आएगा, जब इलेक्शन होने वाले होंगे। फॉर द फर्स्ट 2 मंथ्स जो आउट गोइंग गवर्नमेंट होगी वो इंटरिम बजट होगी। इंटरिम बजट में और आपका स्टेट बजट के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, इंटरिम बजट के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों की बात होती है। ठीक है, और वोट ऑन अकाउंट के अंदर सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात होती है। तो एक्चुअल में वोट ऑन अकाउंट क्या है? वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? बजट मैंने बना दिया है, ठीक है, पहले वो चलता था ये, और अब मुझे लगता है कि अभी मैं 31 मार्च तक उसको पास नहीं करवा पाऊंगा, तो आपका फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं वोट ऑन अकाउंट पास करवा लूंगा कि इतना इतना एक्सपेंडिचर हमारे को फॉर द टाइम बिंग करने दीजिए। तो बेसिकली वोट ऑन अकाउंट स्टेट बजट का पार्ट है, ना कि इंटरिम बजट है। अगेन इसके ऊपर भी काफी लोग बोलेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, पर मेरे हिसाब से आंसर यही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, ठीक है, जो आपका ये भी करेक्ट है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉलेजियम, ये भी करेक्ट है। ये गड़बड़ है, टी वाला गड़बड़ है। द नंबर ऑफ जजेस इन द कॉलेजियम फॉर रिकमेंडिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज नॉट सेम, ये रॉन्ग है, सेम होते हैं। बेसिकली आप इसको ध्यान रखो, ये क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात करता है, आर्टिकल 124A और 124B, इसको पढ़ लीजिएगा, और वो दोनों की बात करता है कि ट्रांसफर अपॉइंटमेंट जो है इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास है। तो और उसके अंदर वही सेम जजेस होते हैं। ठीक है, विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर टू द पॉलिटिकल पार्टी। देखिए पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आती है तो आती है डिफेक्शन की बात, तो डिफेक्शन ही आपका इसके अंदर रिलेटेड है, डिफेक्शन अंडर 10th शेड्यूल। अमंग द रिमेनिंग मेजर पोर्ट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पोर्ट। आपका इसका आंसर 9 कोलकाता पोर्ट है, 1870 के अंदर ये बना था, और आज के दिन में इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट है, उसके नाम से है। तो ये इसका आंसर है डी। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन रिपील्ड। ओके, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नो मोर ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आर्टिकल 370 वही है, उसके कुछ प्रोविजंस को चेंज किया गया है। तो ये आपका बी इसका आंसर करेक्ट है। बेसिकली हम 2019 से यही सुनते आ रहे हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और उसका मतलब यही होता है कि हटा दिया, लेकिन हटाया नहीं है, अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन रिजर्वेशन टू फिजिकली चैलेंज पर्सन बी जस्टिफाइड। देखिए अगर आप फिजिकल चैलेंज की बात करेंगे ना, तो
तो वो आपका इन तीनों में से कहीं भी नहीं है, बिकॉज ये तीनों के तीनों आर्टिकल जो हैं वो तीन चीज की बात करते हैं, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड और या ईडब्ल्यूएस। तो ये तीनों तो आंसर हो ही नहीं सकता, आंसर इसका यही है। और आंसर इसका ये कैसे है वो बता देता हूँ। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, और आर्टिकल 16(1) बात कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट के अंदर वी विल गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी सिटीजन। अब अगर कोई हमारा पर्सन कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन है तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से क्या क्या कैसे कर सकते हैं कि उसको थोड़ा सा बेनिफिट दिया जाए। ओके, इक्विटी एंड इक्वालिटी में डिफरेंस होता है। ओके, इफ एनी पर्सन अदर देन वन कवर्ड अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश अ कॉलेज, विच फंडामेंटल राइट कैन बी क्लेम्ड बाई हिम और हर फॉर मैनेजिंग दैट इंस्टीट्यूट। देखिए, ये इसका आंसर आर्टिकल 19(1)(g) है स्पेसिफिकली, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्यों आया क्वेश्चन वो बता देता हूँ। सितंबर 22 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन दिया था इसके ऊपर, एक कोई चैलेंज हुआ था और उसके अंदर उन्होंने आर्टिकल 19(1)(g) को ही रेफर किया था। तो इसका आंसर बी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ मोरेलिटी, आर्टिकल 19(1)(d) ये है इसका है। आर्टिकल 19(1)(a) जो है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर है, मॉरेलिटी उसके अंदर एक पार्ट है। राइट अंडर आर्टिकल 26, 25 ये आपके रिलीजियस राइट्स हैं, उसके अंदर भी आपका पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरेलिटी की बात लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, राइट टू फ्रीडम टू कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन इन गारंटी टू ए हिंदू दैट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदू की डेफिनेशन में ये तीनों ही आते हैं आपका। आई थिंक कौन सा है इसका अंदर, एक्सप्लेनेशन टू अंडर आर्टिकल 25(2)(b) उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या बनना चाहिए, इसका आंसर बनेगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 24 इसकी बात करते हैं, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो 24 के अंदर क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कन्फर्मेंट ऑफ पद्मा अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू कन्फरिंग टाइटल ऑफ आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट है, ठीक है। नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। करेक्ट है। ए पर्सन नॉट बींग अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड ही कैन एक्सेप्ट। नो, अगर आपने उसको किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे अपॉइंट किया है देन ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर इसका सी है। कम टू नेक्स्ट, विच रिट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट अ प्राइवेट ट्रस्ट इंस्टीट्यूट फॉर फेलियर टू गिव अफेक्ट टू रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, प्रोबिशन एंड सेशरी। क्यों? बिकॉज ये दोनों तो कोर्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है। क्यों वारंटो क्यों नहीं हो सकता? तो क्योंकि वहां पे होता है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उससे पूछा जाएगा व्हाट इज द अथॉरिटी, किस अथॉरिटी में आपने काम किया, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या बचा? मैंडमस। कौन सी रिट किसके अगेंस्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ते वक्त इसको ध्यान रखा करो। द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवर। देखिए, ये जो आपका क्लाइमेटिक एक्सीजेंसीज होती हैं उसके लिए होता है, और वो कहाँ कहाँ होती हैं, ड्राउट फ्लड एंड साइक्लोन। तो अर्थक्वेक के लिए ये नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। द आत्मनिर्भर भारत अभियान फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर्स, सारे के सारे पिलर्स की बात करता है, इसका आंसर सी। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस अडैप्टेबिलिटी स्किल इन्वॉल्व पर्सन एबिलिटी टू एडजस्ट टू चेंज टू इज एन एनवायरमेंट। करेक्ट। बीइंग अडैप्टेबल डजंट मीन
अब डजंट मीन लिख दिया ना, इस वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कोविड स्पेसिफिक प्रोडक्ट वॉज लॉन्च एज अ कोरोना कवच पॉलिसी, गूगल करिए, आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। इसके अंदर काफी लोगों ने ना आंसर मुर्मू साहब का लिखा है, एक्चुअली वो मुर्मू साहब जो है वो करंट हैं। ठीक है, जो फर्स्ट थे वो वी नरहरी राव, ये डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, विच कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इंक्वायरी एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन इन केस ऑफ वायोलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट बाय एमपीज। एमपीज के कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एथिक्स कमेटी बनी हुई है, वही देखेंगे इसका। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द आइडिया ऑफ, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है लैंग्वेज के बारे में, एट शेड्यूल। अगला, पता नहीं क्या क्वेश्चन है ये, इतना सिंपल है, जिसने भी रिट के बारे में कुछ भी पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, कर्फ्यू नाम की कोई रिट नहीं होती है। द लोकपाल एंड द लोकायुक्त एक्ट 2013 प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द, इसके अंदर नाम में क्लियर हो रहा है। ठीक है, एम्बोड्समैन फॉर करप्शन केसेस, एम्बोड्समैन का अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, ट्रांसलेशन करोगे, इसका मतलब ही लोकपाल होता है। इसका आंसर सी करेक्ट है। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम वॉज लॉन्च टू प्रमोट द डोमेस्टिक दिस दिस दिस, ये सारे के सारे आपके करेक्ट हैं, इसका आंसर सी होगा। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, किसका लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है, आंसर इज मध्य प्रदेश। काफी लोग छत्तीसगढ़ वगैरह लिख के आए हैं, मध्य प्रदेश, उसके बाद सेकंड नंबर अरुणाचल का है, छत्तीसगढ़ का थर्ड है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पर्टेनिंग टू द पावर गिवन टू पुलिस अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। ये अभी रिसेंटली रिप्लेस हुआ है, और इसने जो रिप्लेस किया है, इसने रिप्लेस किया है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर एक्ट 1922 को। ओके, और उसके हिसाब से इसके अंदर इसका आंसर है, वो आंसर बन रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पर्टेनिंग टू द एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। ये भी आपकी 2022 की पॉलिसी है। अरे, जेसीओ रैंक तो ऑफिसर ही नहीं होता, जूनियर कमीशन ऑफिसर, मतलब ऑफिसर होता है लेकिन वो इस लेवल का ऑफिसर नहीं होता कि उसको सीडीएस अपॉइंट किया जाए। ये तीनों के तीनों ऑलमोस्ट इक्वल रैंक हैं, एक आर्मी का है, एक एयरफोर्स का है, एक नेवी का। तो ये आंसर इसका डी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अग्निवीर स्कीम फॉर द इंडियन यूथ। तो ये जो है आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको ना थोड़ा सा नेगेटिव के हिसाब से किया है, नेगेटिव इन द सेंस कि कौन सी चीज रॉन्ग है। देखिए, ये तो पक्की रॉन्ग है, 20% नहीं है, ये 25% है, इसका मतलब फोर्थ रॉन्ग है। और उसने पूछा भी क्या है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, अगर फोर्थ रॉन्ग है इसका मतलब आंसर सी और डी में होना चाहिए। अब कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन यह है कि फर्स्ट करेक्ट है या सेकंड करेक्ट है। तो जो इसके एस्पिरेंट्स होते हैं उनको 4 साल के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा, उसके बाद उसमें से 25% को हम रेगुलर कमीशन देंगे। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है आपकी, इसका मतलब रॉन्ग कौन सी बची, यही वाली। ठीक है, द यंग पीपल इन एज ग्रुप ऑफ 18 to 22 ईयर्स कैन ज्वाइन, इसका आंसर एक्चुअली में 17.5 ईयर्स to 23 ईयर्स है। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 2 and 4, जो है आपकी स्टेटमेंट वो रॉन्ग है, उसने रॉन्ग ही पूछी है कि कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, एफडीआई पॉलिसी इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्पेसिफिक अगर आपको नाम ध्यान रखना हो तो
डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT बोलते हैं। तो ए है इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट कलर ऑफ फाइव इंटरविंग्ड रिंग्स ऑफ द ओलंपिक फ्लैग्स। तो इसका आंसर आपका बी है। लोग बोलते हैं इसको कि ये एक्चुअली बेसिकली पांच जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू रिप्रेजेंट्स यूरोप, येलो रिप्रेजेंट्स एशिया, देन आपका ब्लैक अफ्रीका, एंड ग्रीन आपका ऑस्ट्रेलिया, एंड रेड अमेरिका। ठीक है, आपको समझने वाली बात है, लेकिन काफी में इसमें इसको ऐसे एज ए वैसे मत ले लीजिएगा, लिटरेचर्स में कहीं कहीं लिखा हुआ, यूज किया हुआ है, हालांकि वो करेक्ट नहीं है। अब ये नोबल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका फर्स्ट जो है इसका आंसर थ्री है, यानी कि P3 से मैच हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो P सिर्फ 3C के अंदर ही मैच हो रहा है, तो बाकी सारे के सारे तो ऑटोमेटिकली मैच हो जाएंगे, गूगल करेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें इजीली क्वेश्चन आपका आंसर मिल जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच गवर्नमेंट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इकोनॉमिक सेंसिस इन इंडिया। आंसर इज डी, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 एम्स टू ब्रिंग डाउन द फिजिकल डिफिसिट टू द सर्टेन परसेंटेज। इसका आंसर देखिए 2003 में जब आया था ना तो टारगेट वॉज 3.5, पर अभी लेटेस्ट इसके अंदर 2017 के अंदर आर के सिंह कमेटी बनाई थी, और आर के सिंह कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो रिकमेंडेशन दी थी कि ये एक्चुअल में 2023 तक इसको रिड्यूस करके और इसको 2.5% कर दो। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, आपका आगे भी एग्जाम है तो ऐसा कुछ क्वेश्चन वहां पे भी आने के चांसेस हैं, पिछली बार भी आया था FRBM के ऊपर क्वेश्चन। तो ये 2017 के अंदर आर के सिंह कमेटी बनी थी, उसने ये रिकमेंड किया था कि 2023 तक इसको 3.5 से रिड्यूस करके 2.5 कर दो। ठीक है, तो कुछ लिटरेचर में आपको 3% ही मिलता है, बट एक्चुअल में जो ओरिजिनल लिटरेचर था उसके अंदर 3.5% था, उसके अंदर रिड्यूस का जो टारगेट था कि पर ईयर जो रिड्यूस करना है वो 0.3% के रेट के हिसाब से करना है, बट देवर फ्यू जो है फाइनेंशियल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस इंटरनेशनली एंड ऑफ कोर्स इन इंडिया आल्सो, लाइक 2003 में आया, 2008 के अंदर जो है आपका रिसेशन आ गया US वगैरह के अंदर, उसका इफेक्ट ऑफ कोर्स हमारे पर भी पड़ा। देन उसके बाद जो है अब जब संभालने लगे तो उसके बाद जो है आपका कोविड आ गया, तो दे आर सो मेनी थिंग्स, बट यस वी आर ऑन द वे, इन द नियर फ्यूचर हो सकता है इसको हम अचीव कर लें, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से आज के दिन में इसका आंसर 3.5% ही है। अप्रैल 21 नेशनल इंडियन सिविल सर्विस डे होता है। ठीक है, किसान सम्मान निधि स्कीम, इसके लिए जो है एक्चुअली में है क्या स्कीम, क्या है पहले उसको समझिए। आंसर तो इसका बी है, वो तो करेक्ट है। ये स्कीम है कि अगर 18 से 40 इयर्स के बीच के कोई मार्जिनल फार्मर्स हैं, ओके, तो उनको इस स्कीम के अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसकी जिनके पास 2 हेक्टेयर से लेस की लैंड होगी। और होगा क्या, जब वो 60 इयर्स के हो जाएंगे तो हम उनको पेंशन देंगे 3,000 रुपीज पर मंथ। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, अगले एग्जाम के लिए नोट करके रखिएगा। मुझे लगता नहीं अगली बार जो है UPSC आपको GS के अंदर इतना वो करने देगा। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर एन इंडस्ट्री यूनिट टू बी एलिजिबल फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट स्टेटस इन इंडिया। अगेन इसका आंसर ही मुझे कहीं मिला नहीं, जो लोगों से डिस्कस करने के बाद गेस किया वो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। इन 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया हैज स्पेक्टुलर रन, इतने वो ले आया, आप बड़े रट के गए कि इतने मेडल इसके अंदर आए थे, गोल्ड इतने आए थे, और उन्होंने क्या पूछ लिया, रैंक। इसका आंसर फोर्थ है, फर्स्ट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया था, देन इंग्लैंड था, देन कनाडा था, उसके बाद हमारा नंबर था फोर्थ। बाकी तीनों को भी याद रख लीजिएगा अगले एग्जाम के लिए। ठीक है, 50th इनको मैच करना था, मैं सिर्फ इसको मैच कर देता हूँ। एस जो है वो आपका 3 से मैच हुआ हुआ है, और एस अगर 3 से मैच हुआ हुआ है तो उसके हिसाब से इसका आंसर बनता है ए।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज डील्स विद द प्रेजेंट रूल इन अ स्टेट। देखिए जब हम प्रेजेंट रूल की बात करते हैं, एमरजेंसी की बात करते हैं, तो जब 352 नेशनल एमरजेंसी की बात होती है, 356 स्टेट एमरजेंसी यानी कि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, वो 356 की बात होती है। आर्टिकल 360 जो है वो आपकी बात करता है फाइनेंशियल एमरजेंसी की, लेकिन यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है। बहुत सिंपल आंसर है आर्टिकल 356। इसके अंदर आपका 52 के अंदर जो है वो आपका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरिएट के अंदर, कैबिनेट सेक्रेटरिएट के अंदर सिविल विंग है, उसके अंदर मिलिट्री विंग है, उसके अंदर इंटेलिजेंस विंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग कोई भी नहीं है। चेक कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बहुत सिंपल, आर्टिकल 74। जीएसटी का कौन सा अमेंडमेंट था? ये भी बहुत सिंपल, 101 अमेंडमेंट। एक्चुअली में इस ये पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। जो क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आए हैं या तो बिल्कुल सिंपल हैं, और या जो जीएस से आए हैं वो टेढ़े-मेढ़े हैं, इन द सेंस कि जिसने नहीं पढ़ा जीएस उसकी इस पेपर के अंदर उन्होंने, अगर देसी भाषा में बोलो तो, वाट लगा के रख दी। तो देखते हैं क्या होता है। डीपीएसपी पार्ट 4, पार्ट 3 आपको मालूम है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। आपका 21 से 18 ईयर कब रिड्यूस हुआ था? 61 अमेंडमेंट में हुआ था, जहां बिल्कुल एक्सप्लेनेशन की बात नहीं है, मैं कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आपका जो है ये जो रिजर्व वगैरह बनाए हैं, ये रिजर्व कहाँ कहाँ बनाए हैं, ये एक्चुअल में इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका आंसर है, ठीक है। बता देता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि जब 1990s के अंदर गल्फ वॉर हुआ, तो उसके अंदर जो है ऑयल के प्राइस जो है बहुत इंक्रीज हो गए इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमने बोला कि हमारे पास कुछ ना कुछ रिजर्व होना चाहिए। तो हमने 10 दिन का रिजर्व वो किया। इसके अंदर 1.33 मिलियन मीट्रिक टन इसकी कैपेसिटी विशाखापट्टनम की है, मंगलुरु की 1.5 है, और जो आपका पेदूर की जो है वो आपकी 2.5 है। तो ये ऑलमोस्ट 9.5 डेज की कैपेसिटी है। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो सी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट करके रखना, अगले एग्जाम में काम आएगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ हाई कोर्ट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। एक्चुअली मैंने देखा, अभी हमने जो है ना वो सीरीज जंप कर दी, ये वाला रह गया था, पहले इसको कर लेते हैं और फिर इसके बाद क्लोज करते हैं। फंडामेंटल राइट कितने हैं? पहले 7 थे, अब 6 हैं। राइट टू प्रॉपर्टी गया, तो 6 आंसर है इसका। लोकसभा हिंदी से ही लिया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के अंदर कितने मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं? 12 मेंबर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। पहले 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियंस जो हैं वो लोकसभा में ही कर सकते थे, आज के दिन के अंदर नहीं कर सकते हैं। 60 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर आप देखोगे ना, वाइस प्रेसिडेंट एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 63 ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, और आई थिंक 67 के ऊपर खत्म हो रहा है, 67 या 68 पे खत्म हो रहा है। ओके, तो ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, बचा कौन सा? 67। तो ये इसका आंसर आर्टिकल 67 है। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स पर्टेन्स टू द रेवोल्यूशन दैट चेंजेस द कंट्री करेक्टली? वर्गीस कुरियन, यू नो, व्हाइट रेवोल्यूशन, डायरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग है, वो आपका एमएस स्वामीनाथन साहब हैं जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कहे जाते हैं। और नील क्रांति आपका एक्चुअली ना एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स है, उसके अंदर क्रैब वगैरह सब कुछ आता है, लेकिन कुछ लिटरेचर के अंदर जो है वो इसको फिश, एनहेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश की बात भी करता है। ओके, तो 1 एंड 3 ये मेरे हिसाब से करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, इट
टोटली डिपेंड्स अपॉन यूपीएससी कि यूपीएससी इसको कैसे लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड लिखा हुआ उसमें मैं डाउटफुल हूँ, बट मोर एक्यूरेट अगर आप देखें तो 1 एंड 3 ही लग रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट क्वालिफाइड टू बी प्रेजिडेंट। देखिए अगर आप वहां पे देखेंगे ना, आर्टिकल 54 के अंदर लिखा हुआ है, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वहां पे क्या है, वहां पे है मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, और प्लस एडिशनल जो है आपकी क्वालिफिकेशन। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन क्या है? एज के हिसाब से एज 35 ईयर्स की होनी चाहिए और वो सब होना चाहिए, तो ये वर्ड लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से डी आंसर है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और रिपीट वो 63 वाला, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, फिर रिपीट कर देता हूँ एंड एंड के अंदर, जो आपका ये पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात हो रही है, स्ट्रेटजी पेट्रोलियम रिजर्व्स की बात हो रही है, ये 3 लोकेशन के ऊपर है, विशाखापट्टनम, मंगलुरु एंड पेद्दूर। ओके, तो इसके अंदर जो है कैपेसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 1.33 मिलियन मीट्रिक टन्स, 1.5 मिलियन मीट्रिक टन्स एंड 2.5 मिलियन मीट्रिक टन्स जो है वो रखी हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि अगर कोई गल्फ वॉर जैसी सिचुएशन हो और इसके रेट्स वगैरह बढ़ जाएं, तो हमारे पास कुछ ना कुछ पेट्रोल होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऑयल प्रोडक्ट होने चाहिए, तो ये ऑब्जेक्टिव है। अब अगर आप इसको पूरे पेपर को अगर आप देखो, ये फर्स्ट पार्ट है आपका 63 तक, सेकंड पार्ट कोशिश करूंगा कल आपका अपलोड हो जाए। अगर आप पूरे पेपर देखो तो देखिए एओबी आरबी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल, एओबीआर आपका बिल्कुल जीरो कर दिया 3 से 4। 2018 में क्या किया था? बहुत डिफिकल्ट 20-22 क्वेश्चन दिए थे, बहुत डिफिकल्ट। इस बार 3-4 क्वेश्चन दिए, और वो भी ऐसे कोई भी गैस कर ले। आरटीआई 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम उड़ा दिया, सारा का सारा जीएस। अब होगा क्या जब आप ये देखोगे ना, फिर आप कहोगे कि यार अभी आरटीआई छोड़ देते हैं, एओबीआर छोड़ देते हैं, सारा का सारा फोकस जीएस के ऊपर। और 2021-22 के अंदर अगेन यूपीएससी आपको एक बाउंसर देगा और पता लगेगा जीएस इज वेरी लिमिटेड। तो यू नेवर गेस कि यूपीएससी क्या करने वाला है। ओके, तो आप जो भी टॉपिक उसके अंदर है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जीएस के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीएस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो इंट्रोड्यूस हुई हैं उसको ध्यान से पढ़ा करो स्पेसिफिकली, ठीक है। और उसके बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे जो आता है एटलीस्ट जिस साल के अंदर एग्जाम हो रहा है उस साल का, प्लस उस साल का जो बजट की हाईलाइट्स हैं उन सबको ध्यान से देखा करो, ठीक है। बाकी सेकंड वीडियो आपको कोशिश करूंगा जल्दी पोस्ट कर दूं इसी का, सिमिलरली पेपर टू उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका आज का वीडियो था, जो भी इसके अंदर आंसर में आपको डाउट लग रहा है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर होगा तो फिर नेक्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर उसको करेक्ट कर देंगे, कोशिश करेगा उसका कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन साथ में डाल दीजिएगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच।